नमस्कार, मैं मिथुन कुमार, मैं दिल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरीजी के ट्रिक में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में रोट लर्निंग के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग लोकल भाषा में रट्टा मारना कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इस टेक्निक का फायदा और नुकसान क्या है। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि इस टेक्निक का कहाँ पर यूज करने से हम लोग बेटर वे में यूज कर सकते हैं और कहाँ इस टेक्निक का यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग रोट लर्निंग के बारे में समझते हैं कि आखिर रोट लर्निंग होता क्या है। तो रोट लर्निंग एक मेमोराइजेशन टेक्निक है, जिसमें हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटेशन। मतलब हम लोग किसी भी चीज को बार बार रिपीट कर करके उसको हम लोग याद करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक। हम लोग टॉपिक को बिना समझे ही उसको हम लोग बार बार रिपीटेशन करके जब हम लोग किसी भी टॉपिक का इंफॉर्मेशन को याद करते हैं तो उसको हम लोग रट्टा मारना कहते हैं और इंग्लिश में बोले तो रोट लर्निंग कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कि किसी भी चीज को जब हम लोग रिपीट कर करके याद करेंगे तो उसको रट्टा मारना कहते हैं। अब रट्टा किस किस तरीके से मारा जा सकता है, इसका बहुत तरीका है। किसी भी चीज को हम लोग रिपीटेशन वर्बली कर सकते हैं, मतलब बार बार उस चीज को बोल बोल, जैसे हम लोग टेबल को जब भी याद किए बचपन में तो बार बार उसको बोल बोल के याद किए। उसके बाद हम लोग इसी चीज को लिख के हम लोग रिपीट किए। हम लोग का जो टीचर रहता था वो क्या कराता था, बार बार उस टेबल को लिखाता था कि बच्चे लोग टेबल को लिखो, फिर बुलाता था कि जाके उसको बोलो। हम लोग बोल के उसको रिपीट कर सकते हैं, लिख के रिपीट कर सकते, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग रिपीट करते हैं तो हमारा वो जो रोट लर्निंग है वो हमारा स्पीड को बढ़ा देता है। इसलिए हम लोग का टेबल जब भी पूछा जाए कि 12 + 5 कितना होता है, 12 + 5 = 60 होता है, 7 + 8 कितना होता है, 56 होता है, तो हम लोग आसानी से जस्ट उसको मुंह में बोलेंगे और ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और इसी को बोले जब 5 × 8 कितना होगा तो सोचेंगे 5 × 8 मतलब 8 × 5 = 40। जिस तरह का आप याद किए, आप इंग्लिश से याद किए तो वो चीज जैसे ही मुंह में बोलिएगा आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी को बोलते हैं रोट लर्निंग। इस तरह हम लोग 10th में जब पीरियोडिक टेबल याद करते हैं तो उसका एलिमेंट का नाम और एटॉमिक नंबर रोट लर्निंग से ही याद करते हैं। रोट लर्निंग हम लोग का हेल्पफुल होता है बेसिक फंडामेंटल चीज को याद करने में। मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो रोट लर्निंग बहुत ही फायदेमंद होता है जब किसी टॉपिक का हम लोग बेसिक चीजों को रटने में हम लोग याद करते हैं। जैसे कि हम लोग को मैथ का पूरा फंडामेंटल सीखना था, जैसे काउंटिंग, तो काउंटिंग को हम लोग रट रट के सीखे। उसके बाद धीरे धीरे जोड़ जो लॉजिक था, लॉजिक को हम लोग रटे नहीं उसको समझे। तो एक्चुअली में जो बेसिक चीज सीखना रहता है तो हम लोग रट के सीखते हैं। उसी प्रकार जब हम लोग हिंदी भाषा सीखना था तो जैसे वर्णमाला क ख ग घ ङ अवा इसे हम लोग रटते हैं। सिमिलरली जैसे 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक सीखे थे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इस सब को हम लोग रटे थे कि ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। उसको रटने के बाद उसका जो नियम है उसको समझे और अप्लाई किए। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो हम लोग ये जो रोट लर्निंग है इसमें तो दिमाग का हम लोग कोई यूज करते नहीं। तो हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि रोट लर्निंग हम लोग किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी फील्ड का बेसिक चीजों को याद करने में हेल्प करता है। ये इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि अगर रोट लर्निंग से आप याद कीजिएगा ना तो हम लोग बहुत ही फास्ट उसको रिट्रीव कर सकते हैं। आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हैं कि आप टेबल जब शुरू में याद करते हैं किसी भी चीज का तो उतना अच्छा से याद नहीं होता, पर रोट लर्निंग बार बार रिपीट करके जब याद कर लेते हैं, जब आप जैसे आप मुंह में बोलते हैं जैसे 5 + 7 = 35 तो आपको तुरंत 35 आ जा रहा है दिमाग में। इसी प्रकार जो भी याद किए होंगे, ठीक है, रोट लर्निंग रट्टा मार मार के तुमको तुरंत जस्ट बोलने का देरी और आपके सामने आंसर हाजिर हो जाता है। पर इसका डिमेरिट ये है इसमें थिंकिंग लेवल बढ़ता नहीं क्योंकि इसमें कुछ सोचना रहता नहीं है, जो भी है डायरेक्ट मुंह में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो वो भूल गए। और रोट लर्निंग से आप थिंकिंग लेवल को बढ़ा नहीं सकते, आपका दिमाग का विजुअलाइजेशन लेवल भी नहीं बढ़ेगा, जिसके कारण आप किसी भी टॉपिक का बेसिक चीजों को तो याद कर सकते हैं पर उस टॉपिक को समझना होगा। रोट लर्निंग का मेथड से आप उस टॉपिक को समझ नहीं सकते, जैसे उस फील्ड का कुछ कुछ टर्म्स हो गया या उसका वर्ड मीनिंग हो गया उसको आप रट सकते हैं, पर उस टॉपिक को आप समझने में रोट लर्निंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो रोट लर्निंग का हम लोग इस्तेमाल किसी भी टॉपिक का या इन्फॉर्मेशन का हम लोग बेसिक फंडामेंटल को याद करने में यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि रोट लर्निंग का फायदा क्या है। पहला फायदा यह है कि इससे आप इन्फॉर्मेशन को बहुत ही फास्ट रिट्रीव कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा यह है कि ये हेल्प करता है किसी भी टॉपिक का बेसिक जो फंडामेंटल होता है उसको याद करने में हेल्प करता है। बाकी इस रोट लर्निंग का डिमेरिट ही है, डिमेरिट यह है कि यह बहुत ही रिपीटेशन होगा और यह टाइम टेकिंग होगा। और इसका दूसरा डिमेरिट है कि बहुत ही वास्ट अगर टॉपिक रहा तो उसको आप रट नहीं सकते। जैसे कि आप पूरा कंप्लीट पैराग्राफ ही ले लें तो पूरा कंप्लीट पैराग्राफ को रटने में आपको बहुत टाइम टेकन भी होगा और ये गारंटी भी नहीं देगा कि आपको याद कंप्लीट होगा। तीसरा इसका डिमेरिट यह है कि इस मेथड का हेल्प से आप किसी भी टॉपिक में डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। चौथा इसका ड्रॉ
ड्रॉबैक ये है, इसको हायर लेवल थिंकिंग में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी चीज का एनालाइज कैसे करें, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग कैसे करें, ये चीज हम लोग रोट लर्निंग में सीख नहीं सकते हैं, ना इसका रोट लर्निंग से हम लोग इस तरह का जो एबिलिटी होता है वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को मेमोरी साइंस सीखना पड़ेगा, जो मैं इस मेमोरी कोर्स सीरीज में सिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीका से पूरा पैराग्राफ को मेमोरी साइंस टेक्निक का इस्तेमाल से आप याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।